सो गाइज, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजिटेक का एलईडी रिंग लाइट। तो इसका आपको टोटल चीज आपको बताएंगे, क्या क्या चीज इसमें अवेलेबल है और कैसे इसका फिटिंग होगा, सारा चीज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 वाट का आपको एलईडी पावर मिलेगा। उसके बाद डुअल कलर मिल जाएगा, एल्यूमिनेशन 2700 का मिल जाएगा। तो चलिए आप इसको अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। अनबॉक्सिंग करते समय वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस पर क्या क्या है, तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दोस्तों रहता है आप यहाँ पर ही वो पता चलेगा। देखिए इसमें कूड है, ये भी कूड है। इस कूड के साथ ये एक और बॉक्स मिल रहा है और इसमें आपका यहाँ पर ही ये स्टैंड है, मतलब मोबाइल होल्डर है। इसको किसी भी जगह भी आप रूट कर सकते हैं, 360 रूटेड है। अब यहाँ से इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 180 डिग्री का आपको यहाँ पर एक बोल्ट मिल जाता है, देखिए आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और क्या क्या मिलता है इसमें। तो अब यह रहा फाइनली हमारा स्टैंड। तो स्टैंड का क्वालिटी कैसा है, तो दोस्तों यही रहा स्टैंड। मेरे हिसाब से दोस्तों ये अल्मीनियम बेस पे है, जैसे कि यहाँ पर दिया हो। तो ये लाइट कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मैंने भी पहली बार मंगाया है और इसका क्या रिव्यू होता है ये आपको फिटिंग करने के बाद पता चलेगा। इसका वेट देते हैं, कितना वेट कवर करता है, चलिए आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ही रिंग लाइट है, ये रिंग लाइट है। तो ये रहा रिंग लाइट, आपको मेरा चेहरा दिख रहा होगा, रिंग लाइट। तो दोस्तों यहाँ पर ही लोगो नहीं बना हुआ डिजिटेक का, ये पता नहीं ऑर्डिनरी माल हो सकता है। और ऑलमोस्ट ये बहुत चीप हल्का है और इसका बिल्ड का क्वालिटी मुझे सही नहीं लगा। एटलीस्ट को थोड़ा सा वेट देना चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ोन एडजस्ट होगा और फ़ोन जहाँ पर ही एडजस्ट होगा हल्का रहेगा तो मे भी गिर सकता है। तो इसको थोड़ा सा भारी देना चाहिए और इसको भी भारी देना चाहिए, ये मेन चीज़ है स्टैंड। तो ये थोड़ा सा हल्का है, कोई बात नहीं है, इसको हम एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही देखिए क्या क्या इसमें सेट दिया हुआ है, इसको सब साइड। तो अगर स्टैंड की बात करें तो ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, और वेटेड ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वेट है, जो कि आपका फ़ोन एटलीस्ट आप स्टैंड कर सकते हो। और यहाँ पर ही आपका होल्डर है, ये यहाँ से आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, ये 360 डिग्री पे आप मूव कर सकते हो, यहाँ 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 करके 360 है। तो ये भी चीज़ फ्लैक्सीबल है। तो चलिए उसके बाद है यहाँ पर ये 180 डिग्री का बोल्ट है, जो कि ये मेटल पे आता है। अब इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, तो यहाँ से होल्ड करेगा। और थोड़ा सा दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा है, पता नहीं, इसको एडजस्ट करने के बाद ही पता चलेगा क्या है, पता नहीं दोस्तों। देखिए ये शायद ख़राब है क्या, चलिए ये रहा। और उसके बाद फाइनली ये आपका मेन है रिंग लाइट। इसका लाइट कैसा होता है ये चीज़ आपको मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसे, और इसका फिटिंग पहले कर लेता हूँ फटाफट, कैसे फिटिंग करते हैं। तो इसको हम फिटिंग करते हैं और यहाँ पर ये हम इसको पहले खोल लेते हैं, किस मूव से खुलेगा। यहाँ पर ये एक बटन दिया हुआ है, जो कि आप इसको खोल लेना धीरे धीरे, मतलब लूज कर लेना यहाँ पर ही आपको। तो इसको हम यहाँ पर ही थोड़ा सा लूज कर लेते हैं और ये रहा हमारा स्टैंड। तो दोस्तों यही रहा आपका स्टैंड, और इसको स्टैंड करने के बाद आपको यहाँ पर इसको टाइट कर देना है। ये रहा 5 फीट का हाइट हो गया। अब इस सब को ढीला कर देना टोटल को। स्टैंड में रहेगा, स्टैंड में तो ये 5 फीट कवर कर लेगा। तो यहाँ पर ही हम देखते हैं 5 फीट, चलिए हम आपको दूसरी जगह दिखाते हैं कि ये एडजस्ट ले पाता है कि। दोस्तों ये सेकंड लेयर है, दो लेयर है, दो लेयर के बाद हमारा लगभग 5 फीट हाइट पे यहाँ आ चुका है। और इसके बाद हम लोग यहाँ डालेंगे, पहले तो हम लोग ये डाल लेते हैं ये बोल्ट, और इस बोल्ट को डालने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा।
ऐसा लाइट है, तो आपको एक एडेप्टर की जरूरत पड़ेगी, एक एडेप्टर ले लेना आपको। तो दोस्तों यहां पर ही एडेप्टर लेकर के इसको यहां पर ही कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग लाइट प्रूफ देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा लाइट का कैसा स्थिति है, मतलब बल्ब के अकॉर्डिंग हमारा ये जो लाइट है ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। लेंथ आई थिंक तार का 1.5 मीटर होगा। अब हम इसको एक बार यहां से ऑन का बटन है, तो दोस्तों आप देखिए यहां लाइट है, ऑन ऑफ है, यहां से आप ये नॉर्मल है, अब ये लाइट है। अब दोस्तों देखिए अब यहां पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए ड्रीम में आ गया। देखिए मतलब तीन कलर आपको मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो लाइट में दोस्तों आप लोगों को डिफरेंस लग रहा होगा, यहां देखिए इसको आप हम इसको वॉल्यूम को इसका जो लाइट है लाइट को भी कम बेसी कर सकते हैं। लाइव डेमो आपको मिल रहा है, देखिए लाइव डेमो, तो इसको हम यहां से लाइट को कम कर सकते हैं। देखिए लाइट इतना कम हो जाएगा कि आप देखिए ये लाइट कम हो गया, अब लाइट को बढ़ाना है, फाइनली इतना लाइट आ गया, देखिए इतना डिफरेंस आ रहा है जो अभी आप शूट करते हुए समय देख रहे थे और अभी का लाइट देखिए। और इसको फिर से हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ लाइट हमारा चेंजिंग आ रहा है, इसको अप एंड डाउन, इसको डाउन कर सकते हैं लाइट को, देखिए एकदम डिम हो गया और ये हो गया पूरा लाइट हेवी में। थर्ड में ये लाइट को यूज कर सकते हैं हम लोग व्हाइट में, अप एंड डाउन। अब दोस्तों रहा ये जो बिल्ड का क्वालिटी, बिल्ड का क्वालिटी मैं बता देता हूँ, हमारे हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ऑलमोस्ट ठीक है, ये भी ठीक काम कर रहा है, ये भी ठीक काम कर रहा है, मगर थोड़ा सा मुझे एक चीज खराब लगा, इसका जो लाइट है इसका जो वेट होना चाहिए लाइट वेट इसका थोड़ा सा हेवी और होना चाहिए, मतलब इस पर, और एक्चुअल मुझे 14 इंची का ये लग ही नहीं रहा है, ये अराउंड आपका 13 इंची 12 इंची के अराउंड आएगा ये। अगर आपको परचेस करना है आप परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा सेटअप आपको है, देखिए ये आपको इस हाइट पे, आपको मेरे हाइट पे 5 फुट 6 इंच के अराउंड में आ जाएगा, और इसको आप यहां से थोड़ा सा और इसको हाइट और यहां से आप बढ़ा सकते हैं, यहां से इस पोजीशन में, तो अराउंड 6 फीट के अराउंड आपका इसमें हाइट आ जाता है। इसमें 5 फीट तभी देगा जब आपका ये स्टैंड है, ये नीचे वाला स्टैंड है यहां पर ही, जब आप देखेंगे नीचे वाला तो यहां पर स्टैंड में है, तो इसको अगर आप फ्लैट कर देते हैं तो फ्लैट करने के बाद आपका 5 फीट आ जाएगा। तो दोस्तों यही एक रिव्यू रहा, वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कंप्लीट सेटअप मैंने बताया आपको, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए कि हमारा जो अनबॉक्सिंग आपको मिलते रहे इस टाइप का, और नया बॉक्स अनबॉक्सिंग आएगा तो मैं आपको अनबॉक्सिंग दूंगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।